नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश नीरज है और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। आज हमारे साथ चंडीगढ़ के जाने माने कांग्रेस के नेता देवेंद्र सिंह बबला जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे कांग्रेस के मुद्दों के लिए बात करेंगे। सर, आपका पहले स्वागत हमारे चाहिए। धन्यवाद आपका कि आपने अर्थ प्रकाश से आप यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, वो भी चुनाव के दिनों में। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, सवाल पहला मेरा ये है कि कौन कौन बंसल जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चंडीगढ़ से, वो किन मुद्दों को लेकर के चंडीगढ़ चुनाव लड़ते हैं? पवन कुमार बंसल जी जो है, ये उनका मैनिफेस्टो है, ठीक है, जिसको जरूर आप दिखाइए। वो विकास के नाम पे जो है वो वोट मांग रहे हैं। वो ना तो किसी लीडर के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि उनका जो काम 15 साल का काम किया हुआ है वो सब बड़ी भांति जानते हैं चंडीगढ़ के अंदर कि उन्होंने क्या काम किए, कितना फंड लेके आए चंडीगढ़ के अंदर, और लीज होल्ड को जो है उसको प्राथमिकता के ऊपर लेकर आए। उसके बाद शहर को एक नंबर पर लेके आए। 1600 पार्क बनाए उन्होंने जो है, कम्युनिटी सेंटर बनाए, सड़कों का देखिए कि उस टाइम क्या हाल था, क्या हाल है। वो अपने विकास के नाम पर वोट मांग रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर रैली करके गए, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर बहुत हमला बोला, लेकिन पर किरण खेर जी के ऊपर एक बात नहीं बोला, इसके बारे में बताइए। ये तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे तो लगता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा हुआ कि देश का प्रधानमंत्री आए और यहाँ का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसका नाम ही ना लेकर जाए। अब ये यहाँ से आप सोचो कि लोगों के दिलों के अंदर कितनी नफरत होगी किरण खेर जी के लिए कि अगर प्रधानमंत्री उनका नाम लेके जाते वो शायद अखबार में छपता। उन्होंने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि अगर किरण खेर जी का नाम लेंगे शायद हो सकता है कि जो दो चार वोट उनके नाम पर डले वो भी ना कहीं करते। अब जैसे कि कांग्रेस जोरों शोरों से प्रचार करती है, कल मोदी जी आए, उन्होंने भी रैली की, तो क्या लगता है कि उनके रैली के वजह से जो आप कांग्रेस ने जितने प्रचार किए उससे कम ना हो जाए वोट? ऐसा नहीं है, लोगों का मन बन चुका है, लोगों ने अपना मन बना लिया है, क्योंकि तो लोगों ने 15 साल पवन बंसल जी को देखा और पिछले 5 साल किरण खेर जी को देखा। अब उसकी तुलना की जा रही है कि कौन सा उम्मीदवार कौन सा काम करने वाला है। कि किरण खेर जी को तो आप भी बड़ी बातें जानते होंगे, बेतुकी बातें करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, कभी काम किया नहीं कोई, सिर्फ अपने नाम प्लेट लगवाने के लिए उनका ये रहता कि किसी तरीके से मेरा कहीं भी कोई चाहे बेंच भी लगा हो उसके ऊपर भी नाम मेरा लिखा जाए, पर यही उनके अंदर है। 5 साल तक वो जो है हमारी कॉरपोरेशन के अंदर, 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल के अंदर उनका रिकॉर्ड निकाल लीजिए। ये मेरे हिसाब से मुश्किल से जब मेयर का चुनाव होता है वो भी एक वोट उन्होंने डालनी होती है तभी आते हैं वहां पर, नहीं तो आज चंडीगढ़ का 75% हिस्सा जो है उसको कॉरपोरेशन देख रही है। उन्होंने कभी फंड के बारे में बात नहीं की, उन्होंने कभी कभी अपना डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं की। आप बात की है प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाया है, हाउस टैक्स को बढ़ाया है, पेड पार्किंग को बढ़ाया है, पानी का बिल बढ़ाया है, मतलब हर जगह पे टैक्स लगाने की बात की है उन्होंने और कोई काम नहीं किया उन्होंने। किरण खेर जी जहां भी जाती हैं, रैलियां करती हैं, संबोधन करती हैं, डोर टू डोर प्रचार करती हैं, तो हमेशा कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, पवन बंसल जी के टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं यही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं इनको सबसे पहले ट्रेनिंग ये दी जाती है कि झूठ बोलिए, ये झूठ बोलो, आप जितना झूठ बोल सकते हो। अगर इन्होंने काम किया है तो आज काम के आधार पे किरण खेर जी वोट क्यों नहीं मांग रहे, बताएं ना वो कौन सा काम किया है। पवन बंसल जी ने, हमारी पार्टी ने 10 बार उनसे रिक्वेस्ट कर ली कि आप आइए हमारे साथ डिबेट कीजिए, आप 10 मिनट तो बैठिए हमारे आपने सामने बैठी है तभी पता लग जाएगा कि अगर आपने काम किया है तो आप काम के बारे में बताए। आज वो मोदी जी के नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं? सर ये कह रहे हैं काम की बात छोड़ी है कोई बात नहीं, आप मोदी जी के नाम पे वोट दे दो। पवन बंसल जी ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो काम किया है, मेरा जो काम आपने देखा है उसके ऊपर मुझे वोट दीजिए। वो भी किसी लीडर के नाम पे वोट मांग रहे हैं,
किरण खेरजी मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, मोदी जी सेना के नाम पे वोट मांग रही है। अब इससे अच्छा तो किसी सेना वाले को वोट दे दो फिर, इनके पास कोई वो मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी के नाम पे वोट दे दो। सर यहाँ पे फ्लाईओवर का भी किरण खेरजी ने शिलान्यास किया है और वो मेट्रो को लेकर के भी बहुत सारी पीछे चर्चाएं तो वो मेट्रो का वो चला नहीं और फ्लाईओवर का शिलान्यास कर दिया। मैं पहले कहा कि उनको एक फोबिया है कि मेरी कहीं ना कहीं प्लेट लग जाए, मेरे नाम की प्लेट लग जाए। अगर कोई पेड़ भी काटना होगा ना तो चाहते कि यहाँ पे किरण खेती लिखा जाए कि इस पेड़ को प्रूनिंग जो कराई है वो भी किरण खेती ने कराई है। अब जब मेट्रो का काम पूरा जो 90% हो गया था पवन बांसल जी के टाइम पे, उसकी सॉइलिंग भी चेक कर दी, सब कुछ एरिया मुकर्रर हो गया कि यहां से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से हिमाचल, ये मेट्रो चलेगी। उसमें जो चार राज्य हैं इनके लोगों को इसकी सहूलियत मिलेगी और हरेक राज्य ने ये फैसला कर लिया था कि जो जो हमारे राज्य के अंदर काम होगा उसका पैसा हम देंगे। किरण खेरजी ने आते सरकार उनकी वीडियो भी पड़ी है मेरे पास कि जी हम मेट्रो चलाएंगे। अब अचानक हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो मेट्रो को छोड़कर मोनोरेल पर कैसे आ गए, इसके अंदर मैं कहना नहीं चाहता, इसके अंदर कुछ बदबू आ रही है। किस चीज की बदबू आ रही है आप भी समझते हो कि मोनोरेल को लगाने के लिए किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये एक साजिश रची जा रही है कि मेट्रो को ना लिया जाए। अब उनके प्रधान जो है संजय टंडन जी वो ये कह रहे हैं कि मेट्रो को लेके आइए, रमोहन धामू जी जो उनके साथ रहे वो भी ये कह रहे हैं कि मेट्रो लेके आइए, शहर के प्रशासन जो है बीपी बदनौर जी वो भी यही कह रहे हैं कि मेट्रो ही यहाँ कामयाब है। तो केले किरण खेर जी को क्या प्रॉब्लम है कि वो मेट्रो को छोड़कर एक मोनोरेल को लेके आना चाहते हैं। इसी तरीके से जो मैंने कहा 5 करोड़ रुपया हर महीने सफाई के ऊपर दिया जाता है वो भी एक शक की दायरे के अंदर आता है। इलेक्शन के बाद हम उसके बारे में भी देखेंगे, अगर हम जीत जाते हैं सबसे पहले उस टेंडर को कैंसिल किया जाएगा जहां पर से कॉर्पोरेशन की बर्बादी होगी। सर पवन कुमार बंसल जी का चुनाव में सबसे जरूरी मुद्दा क्या रहेगा और चुनाव के बाद का क्या रहेगा अगर वो जीत जाते हैं? उनका जरूरी मुद्दा तो मैंने पहले बताया है कि ये मैनिफेस्टो है उनका, ये देखिए इसके अंदर हर एक चीज लिखी हुई है, सभी मैनिफेस्टो के अंदर चीजें लिखी हुई है इनकी जो है, आपको भी दूंगा आप इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। और हैरानी की बात यह है 4 दिन रह गए इलेक्शन को, किरण खेर जी और बीजेपी वालों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई भी उनके पास ऐसी चीज नहीं है कि जिसको छाप कर वो मैनिफेस्टो तैयार कर दे। अब 4 दिन रह गए हैं, क्या छापेंगे वो? छापेंगे लोग उनसे पूछते हैं जब वो सड़कों पे जाते हैं कि ये आपका मैनिफेस्टो है, क्या किया आपने? 100 में से 99% काम जो है वो बाकी पड़े हैं, क्या छापेंगे वो जो है? तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जाने माने नेता देवेंद्र सिंह बगड़ा जी। इनका कहना है कि श्रीमती किरण खेर जी ने अब तक 5 सालों में कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ नेम प्लेट के लिए ये सब करवा रही हैं। कैमरामैन प्रदीप गौतम के साथ मैं चंद्र प्रकाश अर्थ प्रकाश की ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।